कबीर, वो कबीर जो सहशरीर आए और सहशरीर ही चले गए, जो हिंदू के गुरु और मुस्लिम के पीर कहाए, शिक्षा दीक्षा लिए बगैर ही जो सर्व भाषाओं के ज्ञाता कहलाए। बात करेंगे उस महापुरुष की जो कुरूतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले मसीहा कहलाए। वो चारों युगों में सदगुरु बनकर आए, सतयुग में सतसुकृत, त्रेता में मुनेन्द्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में वो कबीर कहाए। हम बात कर रहे हैं सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में काशी शहर के लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर सह शरीर प्रकट होने और 120 वर्ष लीला करके सह शरीर ही अपने निजधाम सतलोक जाने वाले उस कबीर की, जो सर्वशक्तिमान अचल अमर अविनाशी परमात्मा है। कबीर साहिब जी, जिनको आज तक हम मात्र एक संत, कवि, महापुरुष और धार्मिक जुलाह कहकर संबोधित करते आ रहे थे, वास्तव में उस महान शक्ति को आज तक कोई नहीं जान पाया। वो आज से लगभग 600 वर्ष पहले करीब 120 वर्ष पृथ्वी पर रहे और अपने तत्व ज्ञान को अपने बच्चों तक जगह जगह प्रकट होकर पहुंचाते रहे। उस समय परमेश्वर कबीर साहिब जी ने राजा बीर देव सिंह बघेल, राजा बिजली खान पठान, राजा सिकंदर लोधी और 64 लाख पुण्य आत्माओं को अपनी शरण में लिया और काशी में बहुत बड़ा भंडारा भी किया। वह अपने ज्ञान और चमत्कारों के द्वारा हिंदू मुस्लिम के भेद को मिटाया और अंतिम समय में भी समाज से पाखंडवाद एवं कुरूतियों को खत्म करते हुए परमेश्वर कबीर साहिब जी अपनी लीलाएं समाप्त करके सन 1518 विक्रमी संवत 1575 में आज ही के दिन यानी महामहिना शुक्ल पक्ष एकादशी को मगहर से वापस सतलोक प्रस्थान की लीला की। तो आइए जानते हैं प्रस्थान दिवस की इस सत्य घटना का इतिहास। यह उस समय की बात है जब परमेश्वर कबीर जी काशी शहर में रहते थे। उन्हें वहां रहते 120 वर्ष हो गए थे। उन दिनों काशी के कर्मकांडी पंडितों ने यह धारणा फैला रखी थी कि जो मगहर में मरता है वह गधा बनता है और काशी में मरने वाला सीधा स्वर्ग जाता है। परंतु परमेश्वर कबीर जी कहते थे कि सही विधि से भक्ति करने वाला प्राणी चाहे वह कहीं पर भी प्राण त्याग दे, वह अपने सही स्थान पर ही जाएगा। परमात्मा ने बताया है, भूमि भरोसे डूब है, कल्पत है तो दीन, पूर्ण ब्रह्म सबके गुरु, मगहर भय लवलीन। परमेश्वर कबीर जी ने नकली धर्म गुरुओं द्वारा फैलाए गए इस भ्रम के निवारण के लिए तय किया कि मैं मगहर में जाकर अपना शरीर त्यागने की लीला करूंगा। उन्होंने घोषणा की कि ये पंडितों और ज्योतिषियों, देख लेना कि मगहर जाकर भी मैं स्वर्ग से ऊपर सतलोक जाऊंगा। यह कहकर परमेश्वर कबीर जी 120 वर्ष के लीलामय शरीर में 200 किलोमीटर पैदल काशी से मगहर के लिए निकल पड़े। उस समय काशी नरेश वीर सिंह बघेल और मगहर के नवाब बिजली खान पठान दोनों ही परमेश्वर कबीर जी के शिष्य थे, तो वीर सिंह जी भी मगहर के लिए परमेश्वर कबीर जी के साथ चल दिए और अपने साथ सेना भी ले ली। यह सोचकर कि कबीर साहब जी वहां पर अपना शरीर छोड़ देंगे तो इस शरीर को लेकर हम काशी में हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे, यदि मुसलमान नहीं मानेंगे तो युद्ध करके शव को लाएंगे। जबकि कबीर परमेश्वर जी हमें शिक्षा दिया करते कि हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कहें सो दो जग जाई, फिर भी हम ना समझ सके। उधर से जब मगहर के नवाब बिजली खान पठान को पता चलता है कि कबीर साहब जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसने सतगुरु तथा सर्व आने वाले भक्तों व दर्शकों के लिए खाने और पीने की सारी व्यवस्था की और आदेश दिया कि सेना तुम भी तैयार कर लो, हम अपने पीर कबीर जी का यहाँ पर मुसलमान रीति से ही अंतिम संस्कार करेंगे। कबीर साहब जी के मगहर पहुँचने के बाद बिजली खान ने कहा कि महाराज जी स्नान कीजिए। कबीर साहब जी ने कहा कि मैं बहते हुए पानी में स्नान करूंगा। बिजली खान ने कहा कि हे सदगुरुदेव जी, यहाँ पर साथ में एक आमी नदी है किंतु भगवान शिव के श्राप से ये सूख चुकी है, उसमें पानी नहीं है। जैसी व्यवस्था आपके गुलाम से हो पाई, पानी का प्रबंध करवाया है, आपके स्नान के लिए प्रबंध किया है, लेकिन संगत बहुत आ गई, इनके नहाने की तो बात नहीं बन पाएगी, पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में बाहर से मंगवा रखा है। कबीर साहब जी ने कहा कि वह नदी देखें कहाँ पर है। कबीर साहब जी नदी के पास जाते हैं। उस नदी पर जाकर कबीर साहब जी ने हाथ से ऐसे इशारा किया जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला रुकी हुई गाड़ियों को जाने का संकेत करता है। इशारा करते ही कुछ दूरी पर अचानक से एक धमाका होता है और देखते ही देखते वह आमी नदी पानी से पूरी भरकर चल पड़ती है।
जिसके बाद वहां उपस्थित सभी लोग परमेश्वर कबीर साहब जी की जय जयकार करते हैं। दर्शकों, ये जानने योग्य है कि आमी नदी मगहर में आज भी विद्यमान है। स्नान उपरांत परमेश्वर कबीर जी ने आदेश दिया कि एक चद्दर नीचे बिछाओ, एक मैं ऊपर ओढ़ूंगा। फिर जानी जान परमेश्वर कबीर जी कहने लगे कि बिजली खां, वीर सिंह, यह सेना किस लिए ला रखी है तुमने? इतना सुनते ही दोनों राजा गर्दन झुका लेते हैं और कुछ नहीं बोलते। तभी वहां उपस्थित अन्य हिंदू और मुसलमान बोले, जी हम आपका अंतिम संस्कार अपनी विधि से करेंगे। दूसरे कहते हैं कि हम अपनी विधि से करेंगे। चढ़ा ली सभी ने बाहें, उठा लिए हथियार तथा कहने लगे कि आ जाओ। कबीर साहब जी ने कहा कि अरे नादानो, क्या मैंने यही शिक्षा दी थी 120 वर्ष तक? इस मिट्टी का तुम क्या करोगे? चाहे फूंक दो या गाड़ दो, इससे क्या मिलेगा? तुमने क्या शिक्षा ली मेरे से? सुन लो, यदि झगड़ा कर लिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वे जानते थे कि ये कबीर साहब जी परम शक्ति युक्त हैं। यदि कुछ कह दिया तो बात बिगड़ जाएगी। शांत हो गए, पर मन में यही थी कि शरीर को छोड़ने दो, हम तो अपनी ही विधि से अंतिम संस्कार करेंगे। फिर भी परमेश्वर तो अंतर्यामी थे। कहा कि एक काम कर लेना, तो मेरे शरीर को आधा आधा कर लेना, परंतु लड़ना मत। ये मेरा अंतिम आदेश सुन लो और मानो। इसमें जो वस्तु मिले उसका आधा आधा कर लेना। इतना कहकर वह परमेश्वर दयालु परमात्मा सर्वश्रेष्ठ रचनहार ने एक चद्दर नीचे बिछाई और एक ऊपर ओढ़ ली, जिसके थोड़ी देर बाद ही आकाशवाणी होती है, उठा दो पर्दा, वहां नहीं है मुर्दा, मैं तो जा रहा हूं सतलोक। देख लो चद्दर उठाकर, उसमें कोई सब नहीं है। जो वस्तु है वो आधी आधी कर लो, परंतु लड़ना नहीं बच्चों। सभी ने ऊपर को देखा तो परमेश्वर कबीर जी अपने प्रकाशमय यानी तेजोमय शरीर में आकाशवाणी करते हुए ऊपर को जा रहे हैं। तब वहां उपस्थित पंडित ब्राह्मण ज्योतियों ने अपनी पोथी पत्रा खोलकर देखा तो बताया कि यहाँ तो सब ग्रह दशा बदल चुके हैं, यह तो स्वर्ग से भी ऊपर महास्वर्ग तक चले गए। चद्दर उठाकर देखा तो शब के समान ऊंचा सुगंधित फूलों का ढेर मिला। वह परमपिता परमेश्वर हम तुच्छ बुद्धि जीवों को 120 वर्ष तक समझाकर वापस सहशरीर अपने परमधाम सतलोक को प्रस्थान कर चुके थे, जिसे देख बीरदेव सिंह बघेल और बिजली खां पठान एक दूसरे के सीने से लगकर ऐसे रोने लगे जैसे कि बच्चों की मां मर जाती है। फिर तो वहां पर रुदन मच गया। हिंदू और मुसलमानों का प्यार सदा के लिए अटूट बन गया। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग कहां तो कत्ल आम करने को तैयार थे, एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो रहे थे और अब आपस में एक दूसरे के सीने से लगकर रो रहे हैं। और ऊपर आकाश में तेजोमय शरीर युक्त परमेश्वर को जाते देख अपने आप को कोस रहे हैं कि हमने खुदा को पहचाना नहीं, हमने तो परमेश्वर को जाना ही नहीं, ये तो स्वयं अल्लाह थे। परमेश्वर कबीर जी के सतलोक जाने के बाद हिंदुओं और मुसलमानों ने एक एक चादर तथा आधे आधे सुगंधित फूल लेकर वहीं 100 फुट के अंतर पर एक एक यादगार अलग अलग बनाई, जो आज भी विद्यमान है। और कुछ फूल लाकर काशी में जहां कबीर साहिब जी एक चबूतरे पर बैठकर सत्संग किया करते थे, वहां काशी चौरा नाम से यादगार बनाई। अब वहां पर भी बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। मगहर में दोनों यादगारों के बीच में एक साझला द्वार भी है और आपस में कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू मुसलमान वहां ऐसे रहते हैं जैसे कि माँ जाए भाई रहा करते हैं। इतिहास गवाह है कि मगहर में आज तक धर्म के नाम पर कभी लड़ाई नहीं हुई, जबकि उस समय के लिए भविष्यवक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणियों में कह रखा था कि हिंदू और मुस्लिम में बहुत बड़ा ग्रह युद्ध होगा। लेकिन दयालु परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी दया से जाते जाते उस अनर्थ को भी टाल गए। दोस्तों, ये कोई पुराना इतिहास नहीं है, मगहर में आज भी प्रमाण है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। वहाँ बिजली खान पठान ने दोनों यादगारों के नाम 500 बीघा जमीन दी थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान अपनी प्रबंधक कमेटी बनाकर आज भी व्यवस्थित किए हैं। ये लीला स्पष्ट करती है कि कबीर साहिब जी ही स्वयं पूर्ण परमेश्वर अल्लाह खुदा रब हैं। दुर्भाग्यवश उस समय हम उनको समझ ना सके और उनको केवल एक साधारण संत, कवि, गुरु, पीर ही माना। यकीन मानिए, उस परम पिता परमेश्वर कबीर साहिब जी को ना पहचानने की जो गलती, जो भूल हमने आज से 600 वर्ष पहले की थी, उसी भूल को हम आज फिर से दोहरा रहे हैं। आज वर्तमान में परमेश्वर कबीर जी के ही अवतार संत रामपाल जी महाराज हमें सर्व धर्म ग्रंथों को खोल खोल कर समझा रहे हैं, अपने अनुयायियों को वो लाभ दे रहे हैं जो स्वयं पूर्ण परमेश्वर कबीर जी देते थे।
आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो कबीर परमात्मा का सच्चा ज्ञान और सद ग्रंथों से प्रमाणित सही भक्ति विधि बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज पूरी दुनिया को ये सिद्ध करके दिखा दिया कि पूर्ण परमेश्वर वो सबका मालिक एक सुप्रीम गॉड कबीर ही है जो इबादत के योग्य है, अर्थात जिसकी भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमें मोक्ष मिलेगा और मोक्ष प्राप्ति का दाव बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। कहते हैं लखबर शूरा जूज ही लखबर सावंत देह, लखबर यति जिहान में जब सतगुरु संगति ले। 600 वर्ष पहले जिस दाव को हम चूक गए थे, अब की बार वंचित नहीं रहना है। यदि उस समय हम परमेश्वर की मान लेते तो वो दयालु परमात्मा उसी समय पूरे संसार को एक ही विमान में बैठाकर सतलोक ले जाते, दूसरे की तो जरूरत ही नहीं थी। आज बुद्धिमान समाज है, अब उन नकली धर्म गुरुओं की दाल नहीं गलने वाली। सभी एजुकेटेड हैं, अब हमें कोई बहका नहीं सकता। अपने सदग्रंथों को आज हम खुद देख सकते हैं। आइए अब आपको सर्व धर्म ग्रंथों से व संतों की वाणियों के कुछ प्रमाण देते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17 और 18, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 4 मंत्र 3, 5 और 6, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 1 मंत्र 5, अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 1 से 7, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक 8, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 7, यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, पवित्र कुरान शरीफ सूरह अल फुरकान 25 आयत 52 से 59, फजाइले अमाल फजाइले जिक्र आयत 1 2 3 6 और 7, ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल अय्यूब अध्याय 36 वचन 5, गुरु ग्रंथ साहिब राग तिलंग महला पहला प्रश्न नंबर 721, राग श्री महला पहला प्रश्न नंबर 24 पर शब्द नंबर 29, आदरणीय धर्मदास जी आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चलकर आए काटन जम की जंजीर, आदरणीय मलूक दास जी जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर, दास मलूक सलू कहते हैं खोजो खसम कबीर, आदरणीय गरीब दास जी अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार, आदरणीय दादू जी जिन मोकु निज नाम दिया सोए सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार, गुरु नानक देव जी फाही सूरत मलुकी वेश ऊठ अगवाड़ा ठगी देश, खरा स्याणा बहुता बहार धानक रूप रहा करतार, ये सभी प्रमाण सिद्ध करते हैं कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा है, सर्व सृष्टि रचनहार है, वही हम सबके पिता हैं, जनक है। वैसे तो दर्शकों इनके अलावा और भी बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन कहते हैं ना कि समझदार को संकेत ही काफी है। अंततः आप सभी से गुजारिश है कि परमेश्वर स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए जाने वाले शास्त्र अनुकूल अनमोल ज्ञान को अच्छे से सुनकर समझकर शीघ्र अति शीघ्र उनसे नाम दीक्षा लें और अपना व अपने प्रिय जनों का कल्याण करवाएं।